कुशलगढ़ कस्बे में महिलाओं ने उत्साह के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म में गणगौर पूजा का विशेष महत्व माना गया है। खास तौर पर यह पर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर तीज पर यह व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसे सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। इसी के साथ यह पर्व पूरे 16 दिनों तक मनाया जाता है, जो आज गणगौर तीज के साथ पूरा हुआ। गणगौर तीज विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इतना ही नहीं, कुंवारी कन्याएं मन भावन पति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा करती है। आज के दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। गणगौर के दिन शुद्ध मिट्टी से शिवजी और माता पार्वती की खूबसूरत सी मूर्तियां बनाई जाती है और उन्हें अच्छे से दुल्हा दुल्हन की तरह सजाकर विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। घर में किसी पवित्र कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 अंगुल चौड़ी और 24 अंगुल लंबी वर्गाकार वेदी बनाई जाती है। इसी के ऊपर माता पार्वती और शिवजी की मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति स्थापित करने से पहले इस वेदी को हल्दी, कपूर, केसर और चंदन लगा देते हैं। इसके बाद मूर्ति रख देते हैं। अब माँ पार्वती की पूजा आरम्भ करते हैं। इसके लिए माँ को फूल, सिंदूर, अक्षत के साथ सुहाग की चीजें जैसे कांच की चूड़ियां, महावर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, बिंदी, बिछिया, काजल, कंगी, शीशा आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद भोग में मिठाइयां आदि लगाते हैं। इसके बाद भगवान शिव की विधिवत तरीके से पूजा करते हैं और घी का दीपक लगाकर धूप आदि जला देते हैं। फिर गणगौर तीज की कथा पढ़ते हैं और अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लेते हैं और महिलाएं मां के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर मांग में भर लेती हैं। इसके बाद एक बार फिर भोजन करें और प्रसाद बांटा जाता है। इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रसाद पुरुषों को ना दें। इसके बाद विसर्जन करके व्रत का पारण करते हैं। इस मौके पर घरों में महिलाओं ने मिट्टी से बनाई गई गणगौर और ईसर जी की प्रतिमाओं की पूजा की।